क्वेश्चन नंबर अ वायर इज इन अ सर्कुलर शेप ऑफ रेडियस ट्वेंटी एट सेंटीमीटर इफ इट इज बैंड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्र वॉट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्र फॉर्म एक वायर है जो कि सर्कुलर शेप में है जिसकी रेडियस ट्वेंटी एट सेंटीमीटर है इसको मोड़ कर स्क्वायर बनाया गया है तो बताइए वो स्क्वायर कितना एरिया फॉर्म करेगा तो देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वायर किस शेप में है सर्कुलर अब इसी वायर को मोड़ कर क्या बनाया है स्क्वायर तो हम पहले ये निकालते हैं कि वायर की लंबाई क्या है तो लंबाई होगी उसकी सर्कम के इक्वल तो आप निकालेंस ऑफ सर्कुलर वायर तो फॉर्मूला क्या होता है सर्कम ऑफ सर्कल का टू पाई आर वैल्यू रखें टू पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन और रेडियस कितनी है इस सर्कल की इस रेडियस की सर्कल की इस सर्कल की रेडियस कितनी है ट्वेंटी एट तो ट्वेंटी एट सेंटीमीटर सेवन से फोर टाइम्स फोर टू जा एट और ट्वेंटी टू एट जा होता है वन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स तो हमारा सरकमफेरेंस निकल आया अब देखिए जो सरकमफेरेंस है किसका वायर का सर्कुलर वायर उसको मोड़कर हमने क्या बनाया है स्क्वायर वायर इसी तरीके से मोड़ा है तो ये तो पेरीमीटर है तो जो सरकमफरेंस है सर्कुलर वायर का वो इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर के समझ गए वैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है फोर मल्टीप्लाई साइड लेकिन इसका तो पेरीमीटर हमें पता है पेरीमीटर ऑफ कितना है सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कुलर वायर के जो कि कितना है 176 तो यहां से हम 176 रख के साइड निकाल लेंगे कि स्क्वायर की साइड कितनी थी तो डिवाइड किया फोर से तो फोर फोर जा फोर फोर जा तो हमारी साइड जो है वो कितनी आ गई है 44 सेंटीमीटर तो स्क्वायर की हमें साइड पता चल गई है 44 है अब एरिया निकालना तो बहुत सिंपल है तो एरिया कैसे निकालोगे इसका आप लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वेयर इक्वल्स टू साइड साइड तो साइड कितनी है फोर्टी फोर सेंटीमीटर उसकी मल्टीप्लाई फोर्टी फोर सेंटीमीटर से तो फोर्टी फोर की मल्टीप्लाई फोर्टी फोर से करनी है तो कितना आया सिक्स सेवन वन सिक्स थ्री नाइन वन तो वन नाइन थ्री सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर यही क्या है हमारा आंसर आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर